बिलासपुर में मदर्स डे काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मदर्स डे के अवसर पर सांसद ने जिला सोलन के कसौली में शहीद हुए जिला बिलासपुर की बेटी शैला बाला की याद में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य मोबाइल सेवा आरंभ की। इस योजना को सफल बनाने के प्रति सांसद निधि से 2 वाहन भी प्रदान किए गए। उन्होंने इस अवसर पर शहीद अधिकारी शैला बाला के परिजनों से उनके निवास स्थान पर मुलाकात भी की। उन्होंने शहीद अधिकारी शैला बाला के बेटे से भी बात की, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर माँ नहीं मिल सकती। बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि शहीद अधिकारी शैला बाला ने बहुत बहादुरी के साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए शहादत दी है। इस घटना में प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हुई, जिसकी जांच होना अवश्य है ताकि भविष्य में किसी अन्य अधिकारी के साथ ऐसी घटना दोबारा न हो। इस दौरान उन्होंने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य मोबाइल सेवा आरंभ करने से ग्रामीण स्तर के लोग निःशुल्क अपने रोग संबंधी टेस्ट करवा सकेंगे। आज मदर्स डे, माँ जो जन्म देती है, प्यार देती है, शिक्षा देती है, संस्कार देती है, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देती है, लेकिन उस माँ के लिए हम क्या करते हैं? मैं जिला बिलासपुर की उस बेटी के बारे में, उस माँ के बारे में भी सोचता हूँ जिन्होंने असिस्टेंट टाउन प्लानर की भूमिका निभाते हुए अपनी ईमानदारी बहादुरी का पूरी दुनिया भर में जिन्होंने नाम रोशन किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर जिनको लागू करने का काम किया, लेकिन बदले में ईमानदारी और अपनी बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ी। आज मैं उनके परिवार से मिलकर आ रहा हूं। मुझे लगता है अगर सबसे बड़ा योगदान मैं कोई दे सकता हूं, मैं जब उनके बेटे से मिला तो उनको लगता था कि मैं अपनी मां के लिए क्या कर पाया। मैंने कहा तुम डॉक्टर हो, तुम कई मां के लिए कर सकते हो। और ये सुझाव भी मुझे यहीं बहादुरी के साथ अपना काम किया, और जो उनके साथ घटा भविष्य में किसी बेटी के साथ ना घटे। प्रशासन के अंदर क्या कमियां रही उसको भविष्य में दूर किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, तो इस तरह की अप्रिय घटना भविष्य में ना घटे, उसके लिए प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो या बाकी प्रशासन हो, सबको मिलकर ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इतना दुस्साहस ना कर सके कि किसी अधिकारी के खिलाफ। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिला, चाहे वो खनन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, अब जब अवैध कब्जों की बात आई, तब जब इस तरह के क्रिमिनल्स इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती